भाजपा राज्य में अल्पसंख्यक सर्वाधिक असुरक्षित व उत्पीड़न के शिकार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव सरदार सतनाम सिंह ने आज दिन में समाचार पत्र प्रतिनिधियों से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस ही देश में अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्म और समुदाय का हित सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जब से देश में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आई है, अल्पसंख्यकों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं सर्वाधिक बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि भाजपा सरकार हिंदू धर्म को खतरे में बताकर दूसरे समुदाय संप्रदाय के लोगों को निशाना बना रही है, जिसमें उनके असुरक्षा की भावना भी बढ़ जा रही है तथा भाजपा आपसी भाईचारे के बीच खाई पैदा कर राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। अशोक जी, आज यहाँ पे किस कारण से आप लोग ने प्रेस वार्ता रखी है? आज की जो ये प्रेस वार्ता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बनारस में आयोजित है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो देश है, मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार में देश का जो लोकतंत्र है, सांप्रदायिक सद्भाव है, वह खतरे में है और देश का हर वर्ग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोग अन्याय के शिकार हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है और जो हमारा धार्मिक सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव है, भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद के चलते, छद्म हिंदूवाद के चलते यह सांप्रदायिक सद्भाव टूट रहा है, कमजोर हो रहा है और खतरे में है। हम इस सांप्रदायिक सद्भाव को, भाईचारे को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, जनता के हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। 2022 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस पार्टी 2022 के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि हमारे सपने में कृष्ण भगवान आए थे, सपा की सरकार आएगी। ये अखिलेश जी बहुत समय से सपना देख रहे हैं, उनका सपना सपना ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की एक विरासत है और मजबूत विरासत है। इस देश के विकास में कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रहा है। बहुत से नेता आए और बहुत सी पार्टियां आई, देश को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी। तो क्या राजनीतिक मामले में भी क्या सपना साकार होता है? राजनीतिक मामलों में सपना साकार नहीं होता, जो जमीन पर संघर्ष करता है वही सत्ता में पहुंचता है। तो क्या अखिलेश यादव जमीनी नेता नहीं है? अखिलेश जमीनी नेता नहीं है, अपरिपक्व नेता है। उनकी राजनीति विरासत में माननीय मुलायम सिंह जी के नाम पर चल रही है और फर्जी समाजवाद के नाम पर चल रही है। आज समाजवाद कहीं भी नहीं रह गया है। ये लोग चंद लोगों के हाथों के गुलाम है और एक जाति की पार्टी है, एक वर्ग की पार्टी है और एक जाति वर्ग से देश को नहीं चलाया जा सकता। सभी को न्याय और समानता, हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती। क्या कांग्रेस को न्याय समानता देगी? कांग्रेस सदैव से सबको हिस्सेदारी दी है, समानता के सिद्धांतों पर काम करती है, सबको न्याय देने का काम करती है और उत्तर प्रदेश में हम किंग मेकर की भूमिका में आ रहे हैं। बहुत बहुत। मैं सरदार सतनाम सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश का महासचिव। आज यहाँ पे क्यों प्रेस वार्ता रखे गए? आज प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से प्रेस वार्ता करने का जो हमारा मुख्य मकसद, मेरा विषय है, वह कि प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के राज्य में हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित समझ रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, वो सारे लोग अपने असुरक्षित, सबसे ज्यादा अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश नहीं, देश के विभिन्न कोनों में अल्पसंख्यकों पर जितना ज्यादा जुल्म, उत्पीड़न और शोषण हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ है। और अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते, अल्पसंख्यक में मुसलमानों के साथ साथ सिख, सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, खत्री, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सारे लोग आते हैं। बात की जाए तो 2022 का चुनाव नजदीक है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में तो इन लोगों को क्या प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, कांग्रेस की राजनीति शुरू से रही है, उनका घेरा, उनकी जो नीति रही है, स्वर्ण धर्म संभाव की स्थिति रही है। हमने कांग्रेस ने हमेशा सारे धर्मों का सम्मान किया है, सारे धर्म के लोग उनकी हिस्सेदारी रही है। और कांग्रेस के व्यक्ति कितनी मजबूत आप अपने आप को देख रहे हैं? हम
उत्तर प्रदेश में जब से प्रियंका गांधी जी सक्रिय हुई हैं, उनके कुशल नेतृत्व में, उनके बेतोड़ मेहनत से अजय लल्लू जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव श्री अशोक विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कांग्रेस जितना मजबूत हो रही है, बहुत ही ज्यादा मजबूत हुई है। निश्चित रूप से 2022 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार को उत्तर प्रदेश का तमाम अल्पसंख्यक समाज, दलित, पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर के इस भाजपा की तानाशाही सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेंगे और सर्वधर्म संभव की राजनीति जो काशी की अपने गंगा जमुनी की तहजीब रही है उसको बरकरार रखने का काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। सभी धर्मों का सम्मान सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, अदरवाइज दूसरा कोई नहीं। ठीक ठीक।